देख लें। ठीक है, चलें जी। एक्सरसाइज 6 ए है D2 की, और ये 7th एडिशन है, और 7th एडिशन पेज नंबर जैसे आ रहे हैं, रेहान ने बताया कि 167 है। क्वेश्चन बहुत आसान है, उन्होंने कहा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल फ्रैक्शंस की कटिंग करते हैं वैसे इनकी भी कटिंग करते हैं। करेंगे, 5 और वाई। अब देखें, नंबर को नंबर के साथ, एक्स को एक्स के साथ, और वाई को वाई के साथ, है ना। अब देखो, 4 1 4 3 ये आ गया। अब ऊपर 4 है, नीचे 5 है, तो 5 में से कितने कट जाएंगे, 4, चार पीछे कितना रह जाएंगे, एक 1। अब वाई हाई नहीं है, तो वो वाई अपनी जगह पे ही रहेगा, तो ये नहीं हमारे तो पास आ जाएगा 4/3 एक्स वाई एक्स वाई, दैट इज़ आर आंसर। बस बात खत्म, इतना ही था। ठीक है, जी अब इसको आप मतलब बना संवार के जैसे मर्जी करना चाहें वैसे कर करना। सकते हैं। अब इसके पीछे रूल क्या है, हमें पता है जब एक जैसी बेसिस डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसको अगर हम 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 आ जाएगा, तो वो पावर नेगेटिव होगी, उसको पॉजिटिव करने के लिए वापस नीचे ले आएंगे। तो जी इतने लंबे चौड़े चक्करों में पड़ने से बेहतर यही है, जितनी ऊपर है वो काट लें ऊपर से। अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो एक्स 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 4x आपस में 5 में काट जाता और एक बच जाता, ये हमारे पास यही घूम फिर के आंसर आ वी जाता। पार्ट कर ले जी, आपने सिक्सटीन करवाना है, ठीक है। सिक्सटीन a³ b^4 फोर एंड ट्वेंटी फोर 4, ए पावर फाइव हाँ बी पावर टू। हाँ टू। अब नंबर से स्टार्ट करेंगे, दोनों नंबर्स किस टेबल से कटते हैं, अब ये होगा टू से 2 से कटिंग कर लेते हैं, 2 8 और 2 12। अब ये टेन फिर 2 से कट जाते हैं, सिक्स 2 4 और सिक्स2 6, फिर फिर 2 से टू कट जाते हैं, 2 1 और 2 3। अब अब एक नहीं कटते, और अब ए को ए से काटते हैं। ऊपर 3 है, नीचे 5, तो कितने दो बचे, 2 रह गए। अब बी नीचे 2 थे, ऊपर 4 थे, दो कितने रह रह गए, गए 2। क्या आंसर आया, 2b^3a² दैट इज आर आंसर। इसको आप स्टेप बाय स्टेप आगे भी कर कर सकते हैं। सकते इसी हैं। तरह हमारे पास सी है, 23 क्यूब q³ पावर थ्री / 3, हाँ जी, आर आर, ओवर हाँ 69 क्यू आर 69 क्यू आर पावर थ्री जी, और आर आर के एस, आर आर हाँ ओ साथ उसके एस एस। ठीक है, अब 23 और 69 को सबसे पहले देखेंगे, ये आपस में कटिंग होती है कि नहीं होती है। मेरे ख्याल से ये वो थ्री 23 से के होती थ्री के है टेबल से कट जाते हैं ना, ट्वेंटी नहीं थ्री वन थ्री टाइम से नहीं होती 23 1 टाइम, और 23 3 टाइम 69 काट जाते हैं। अब ऊपर कितने क्यू हैं, अगर इसको देखे, चले हम इनके लिए थोड़ा सा और आसान करते हैं ना, ज़रा समझाने के लिए। क्यू को हम एक्सपैंड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और नीचे क्यू आ गया, ऊपर आर को भी एक्सपैंड फॉर्म में, नीचे भी आर को एक्सपैंड फॉर्म में, और फिर ऐसा आ गया। ठीक हो गया, अब देखें, एक क्यू कट गया, यहाँ से एक आर कट गया, अब जो बचे उनको फिर उसी तरह लिख देते हैं। कितने क्यू हैं, दो 2, और कितने आर हैं, दो और एस एज इट इज रहेगा, हमारे पास आंसर आ गया, इतनी सी बात थी। अगला क्वेश्चन मेरा बेटा, अगला डी पार्ट है 3 mn डी पार्ट है कितना, 3 mn 3 mn पावर टू पावर टू पी पी पावर थ्री पावर 3 2^4 ऐसे कह लेंगे ओवर ओवर 18 m टू द रेस पावर जी, थ्री एम पी एन पी टू द रेस पावर सिक्स। 6। अब इसको देखते हैं हम, पहले नंबर को नंबर से काटते हैं, आप पहले हाँ लिख लें इसको ना, इधर थ्री से डिवाइड करते उस तरह से ही है सीधा सीधा ही रहने देना, सीधा सीधा काटने की सीधा जरूरत, इतना खोल के अपने लिए अजाब डालने की जरूरत नहीं 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 है। ये 3 1 3 3 6 18, 2 कट गए इधर से, एन 1 बच गया, एक पी 3 है नीचे, वन 3 बच गए, है ना, 1/6 एन, ये 5 है इसी है हाँ जी तो माइनस का टू नहीं आता 2 आएगा, 6 थे, 6 है, ओके ठीक है, एन नीचे मेरे पास एम बचा था, एन बचा था, एम बचा था, 2 और पी पी, पावर थ्री दैट इज आर आंसर। थोड़ा नीटली करके करें ताकि ये बाद में कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। आगे ई पार्ट ई पार्ट आ गया हमारे पास, 15 ac 15 ac टू द रेस पावर थ्री जी, ओवर 75 a 75 a पावर 2 बी b^4 रेस पावर सी सी, पंखा चला ले थोड़ा सा स्लो करके, है ना,
ताकि इसका बस शोर ही ना आए, इस वजह से हमने पंखा बंद किया कि वो फिर वीडियो में जाता है, मेरे ख्याल से नहीं आएगा क्योंकि हमारी आवाज बहुत जा रही है इसमें ना। 15 फाइव जार तो हो जाता है, 5 5 जार 25 5 5 जार ही हो गया, 2 ए थे 1 कट गया और B3 C दो रह गया ना, और P4 के 4 ही रहेंगे, तो ये आ गया 1 A कट गया था, C2 और नीचे 5 A B 4 दैट इज आर आंसर। इसको जरा स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, ठीक है। ABCDEFG जी 16XY टू द रेस पावर 3 जी 64X पावर 2 एक्स की पावर 2 जी, वाई पावर 4 जी टू द रेस पावर 3 3। अब देखो एक्स एक रह गया यहाँ है ना, वाई ऊपर 3 थे एक रह गया, और जेड कट गए सारे और इधर 2 रह गए, और 16 1 16 16 4 64 1/4 एक्स कट गया, वाई कट गया, जेड भी कट गया, ऊपर वाई, अब हमारे पास नीचे का बच रहा है एक्स वाई एंड जेड टू, दैट इज आर आंसर। मुश्किल से आसान था, आसान मुश्किल हाँ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 2 करेंगे, हमारे साथ इब्राहिम भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सियालकोट से है ना। आसरा शहजादा बच्चा हमारा ना, इसको हमेशा गिला ही रहता है, मुझे कुछ कहते ही रहते हैं ना। रियान चल इब्राहिम चलती वीडियो में कुछ कहना चाहेगा, तेरा पैगाम ऐसे कैसे ही जाएगा, बांग्लादेश मॉस्को तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक। अच्छा एक चीज़ देख लें, नहीं कहना चाहता तो कह ले हमारे खिलाफ कुछ, तो कहना चाहता तो बयान देना चाहता हमें बहुत प्यार है सर मुख्तार। अच्छा अब हमने सीखा था कि जब भी अलजबरा में कुछ कॉमन निकलता हो तो निकालते जरूर है, ऊपर से मेरा बता कुछ कॉमन निकलता ऊपर से, ऊपर से नीचे वाला कॉमन नहीं रहता, आता है क्या 3 को डिवाइड करता है, ऊपर से कुछ कॉमन निकलता हाँ, क्या वाई हाँ नहीं कहते जी कहते ना, एक्स प्लस 3 ओवर नीचे से कुछ कॉमन निकलता हाँ, क्या फिर हाँ जी 4 एक्स प्लस 3 ठीक है, ये आपस में काट गया तो हमारे पास आंसर बचा वाई ओवर 4 दैट इज आवर आंसर। अगला ए बी पार्ट है, ए 8A प्लस 4B ओवर BC प्लस 2AC हाँ जी, मेरा बेटा बताओ ऊपर से कुछ कॉमन निकलता 4 तो 4 2 प्लस 2A प्लस 1B है ना, B आ गया, अब नीचे से कुछ कॉमन निकलता yes, C. Yes, C है दोनों में तो B प्लस 2A। अच्छा अब ये देखें प्लस में इनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, अभी ये दोनों सेम ही हैं, अगर माइनस होता तो फिर डिफरेंट होते, माइनस तो हम इनकी अरेंजमेंट चेंज करके 2A प्लस B कंसीडर कर सकते हैं इसको, तो ये आपस में 4/C तो ये इसकी आप अरेंजमेंट ठीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा, सी पार्ट है, ए पावर इधर लिख लूं, ए पावर 2AB किधर है बोला सर, ए की पावर 2 और 2AB है ना, मैं भी कह गया आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं यस, ए बस ए कॉमन आएगा ना, 2B ए प्लस और नीचे क्या आया 6 है, ये इसके साथ कट गया, तो हमारे पास आ रहा है ए प्लस 2B ओवर 6। अगर हम इसको अलग अलग करें तो फिर ये 6 इस 2 के साथ शायद कैंसिल हो, लेकिन अभी हमें मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। अगला डी पावर सी पावर जी क्या, सी पावर 2 जी ओवर सी 2 जी माइनस सी डी अब कुछ कॉमन निकलता है ऊपर तो सी 2 ही रहेगा ना, नीचे सी कॉमन निकल लिया और सी माइनस डी बचेगा, तो 2 में से 1 कट गया तो सी ओवर सी माइनस डी आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगला डी ई पार्ट जी ब्रैकेट एम माइनस एन एम माइनस एन इधर से ऊपर से मेरे बेटा किधर
किधर हो, कौन से क्वेश्चन पे हो, इसमें कहाँ फोर आ गया? माइनस एम माइनस एन टू द रेस पावर टू ओवर एम पावर टू माइनस एम एन। अब ऊपर से नीचे से ऊपर से उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे से एम कॉमन आ जाएगा एम माइनस एन, तो दो एक कट जाएगा ऊपर, ये सेम थे ना, दो पावर थी वो काट ओवर एम। अगर इसको हम तोड़े अगर वो ऐसे कर रहा है तो आप माइनस एन ओवर एम भी आ सकता है, ये आएगा वन माइनस एन ओवर एम। ठीक है, अगर पिछले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, देख लेना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला मेरा पुत्र क्वेश्चन, लास्ट बस दो ही क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, 5PQ ओवर 15P माइनस 10PQ। इब्राहिम बता सकते हैं कुछ क्या होगा इसमें? ऊपर यही रहेगा, ऊपर यही रहेगा, नीचे से P भी कॉमन आएगा और 5P माशाल्लाह, तो 3P माइनस 2P आएगा, P भी कॉमन चला गया, वाह जी वाह, रेहान कमारा माशाल्लाह। क्यू है ना, अब ये पी पी से काट गया, फाइव फाइव से काट गया, क्यू ओवर थ्री माइनस टू क्यू, तो हमारे सिक्स ए के दो क्वेश्चन हो गए। हाँ चल बोल। दिस इज दानिश, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको और वीडियो चाहिए। ओके अच्छा।